Hello guys and welcome to Aficionado's Den where we stay in class. And guys, आज जो बियर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है एक बार्सिलोना की बियर. It's Estrella Damm. तो गाइज, इससे पहले कि मैं इस बियर का रिव्यू करूँ और मैं आपको कुछ बताऊँ इस बियर के बारे में, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द कंपनी, द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, एज वेल एज आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस बियर. एंड ऑल्सो वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट दिस पर्टिकुलर बियर इज ब्रूड इन न्यूजीलैंड. ये दिल्ली में अवेलेबल है फॉर द प्राइस ऑफ 220 rupees. हाउएवर आई वुड डेफिनेटली टेक दिस इनटू कंसिडरेशन जब मैं इसका रिपोर्ट कार्ड पब्लिश करूँगा. प्लस एक चीज़ मैं और कंसिडर करूँगा कि ये बियर जो है इज बॉटल एट 4.6% ABV विच इज़ अ लाइट बियर. तो दैट्स हाउ इट इज़. But I am not sure whether this beer actually would be a good beer or a bad beer because this is the first time on YouTube in India that this beer is being reviewed. So yes, I am very excited about it and I hope that you guys are also excited. So let's go ahead and start off with the review. So, इससे पहले कि मैं review पे पहुंचूं, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा that this beer is from Barcelona, Spain, and this company, Damm Corporation, is in existence since 1876. अगर आप इसके लेबल पे भी देखें तो ये लिखा हुआ है 1876. Damm Corporation was established by August Quinsman Damm and his cousin Joseph Damm. So they were French who migrated to Spain and they established this company back in the day in 1876 and they created a very light kind of a beer. Which was completely different as opposed to the Central European beers that were produced back in the day. तो इस वजह से इसको Mediterranean lager beer भी बोला जाता था. This is a lager beer, a pilsner beer, I would say. And अगर आप देखें ये जो star है, this actually is the icon of this beer. मैं अभी थोड़ी सी history और बताऊँगा ताकि आपको पता चले कि star की relevance क्या है. Actually एस्ट्रेया जो मतलब होता है, मैं बहुत लोग बोलते हैं इसको एस्ट्रेला, विच इज़ नॉट द केस एक्चुअली. अगर आप देखें जहाँ पे भी डबल एल होता है इन स्पेनिश, इट्स कॉल्ड या रादर देन एल्ला. सो यस, इट्स एस्ट्रेया. एंड मैं बात कर रहा था वो गोल्डन स्टार की. तो एस्ट्रेया एक्चुअली मीन्स स्टार. तो बैक इन द डे व्हेन इट वॉज प्रोड्यूस्ड द बियर, इट वॉज कॉल्ड स्ट्रैसबर्गर बियर. बट ओवर द ईयर्स उसके ऊपर जो स्टार था, जो रेड कलर का 5-pointed स्टार था, दैट बिकेम एन आइकॉन फॉर द बियर. तो लोग उस टाइम भी यही बोलते थे कि वो रेड स्टार वाली बियर दे दो, रेड स्टार वाली बियर दे दो. इट बिकेम एन आइकॉन फॉर दैट बियर. इवेंचुअली ओवर द ईयर्स वो रेड स्टार हट के जो है उस पर गोल्डन स्टार आ गया. एंड इवेंचुअली नाम भी चेंज कर दिया इन्होंने उसको. नाम को चेंज करके उन्होंने एस्ट्रेया दोरादो कर दिया, विच मीन्स अ गोल्डन स्टार. एंड फिर इन द ईयर 1991 दे चेंज द नेम फ्रॉम एस्ट्रेया दोरादो टू एस्ट्रेया डाम, विच टिल डेट इज द नेम ऑफ द बियर. एंड इट इज अगेन आई वुड से अ बार्सिलोना बियर, अ स्पेनिश बियर, विच एक्चुअली इज अ लाइट बियर. एंड बिकॉज इट इज अ लाइट बियर, इट सूट्स द क्लाइमेट of Spain. So that's why back in the day it was produced as a very light beer, a lager beer. Kai countries mein ye milti hai. There are some countries jahan pe ye 5.4% ABV pe milti hai. Yahan pe jo hamare paas available hai wo 4.6% ABV pe hai. It is a light beer. बट देखते हैं, आई डोंट नो हाउ डज दिस टेस्ट. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोना रिव्यू दिस बियर. तो चलिए लेट्स गो अहेड एंड पोर इट एंड लेट्स सी व्हाट दिस बियर हैज टू ऑफर. सो दैट्स एस्ट्रेया फॉर यू. चलिए खोलते हैं इसे. चलिए लेट्स गिव इट अ पोर. It's got a nice head.
बहुत ही फोमी सा हेड है एंड दिस इज़ अ पाइंट, अ 330 ml पाइंट. तो चलिए लेट्स गो हेड एंड नोज इट एंड टेस्ट इट एंड लेट्स सी व्हाट दिस बियर हैज़ टू ऑफर. चलिए अगर मैं कलर की बात करूँ तो एक गोल्डन कलर है. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द नोज. वाओ. बिफोर आई गेट ऑन टू द नोजिंग ऑफ दिस बियर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा. इसके इंग्रेडिएंट्स में हॉप्स है ऑफकोर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट देर इज मॉल्टेड बाले इन इट विच हैज़ बीन यूज, देर इज राइस इन इट विच हैज़ बीन यूज एंड देर इज मेज इन इट विच हैज़ बीन यूज. एंड बिकॉज वाई आई सेट दिस इज बिकॉज आई कैन नोज दैट ग्रेनीनेस इन दिस बियर. इट हैज़ अ स्वीट अरोमा टू इट. चलिए लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड नोजिंग. इस बियर का अरोमा ऐसा है कि देर इज़ कैरमल, देर इज स्वीट नोट्स एंड देर इज ग्रेनीनेस इन इट. एक हल्की सी मॉल्टीनेस है, एक ग्रेनीनेस है इसमें विच इज़ कमिंग आउट वेल. तो चलिए लेट्स गो हेड एंड टेस्ट इट एंड लेट्स सी व्हाट दिस बियर हैज़ टू ऑफर. चलिए आई वॉज राइट, स्वीट पैलेट है बट स्टिल इट इज़ अ रिफ्रेशिंग बियर. क्योंकि इट इज़ अ लाइट बियर, इट इज़ रिफ्रेशिंग बियर एंड अपफ्रंट हल्का सा स्वीट फ्लेवर है इसका. आई कैन गेट दैट ग्रेनीनेस फ्रॉम इट. हल्के से राइस के जो है मुझे टेस्ट आ रहा है इसमें, मॉल्टीनेस है इसमें. चलिए लेट्स गो अहेड एंड गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट. लेट्स गो. I would say quite a nice beer when it comes to taste. Graininess hai, that sweet palate. Koi kadwapan zyada nahi hai. Bahut halki si bitterness hai which I can taste at the back of my palate, which is good. Balanced flavors hain, bahut achhe flavors hain iske. So I would say it is a good beer when it comes to taste. जैसा कि हमारा क्लाइमेट है यहाँ पे दिल्ली में, आई वुड से जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दोपहर में, तो इट इज़ अ रिफ्रेशिंग बियर फॉर दैट टाइम. आपको ज़्यादा ओवरपावर नहीं करेगी अल्कोहल से, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक भी नहीं है. 4.6% इज़ नथिंग. इट इज़ गुड रिफ्रेशिंग ड्रिंक काइंड ऑफ अ बियर. आप आराम से पी सकते हैं चिल्ड करके इसको गर्मी में दोपहर के टाइम पे. और ज़्यादा आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हाँ भाई यू गॉट ड्रंक या फिर बहुत ज़्यादा आपने पी ली है. मतलब इट इज़ लाइक अ डे ड्रिंकर बियर फॉर मी. तो अगर मैं इस बियर के एफिशनाडोज रिपोर्ट कार्ड की बात करूँ तो ऑन द प्राइस पॉइंट, बिकॉज इट इज़ ब्रूड इन न्यूजीलैंड एंड बिकॉज इट इज़ अ लाइट बियर, आई वुड स्टिल गिव इट अ 6.5. एंड ऑन द टेस्ट I would definitely go ahead and give it a 9.5. A very good beer indeed. So, इस beer का aficionado's number होता है 8. A good beer, a refreshing beer I would say. But still, it is a bit pricey. But in my opinion, अगर आप इसको पीने की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इंजॉय करने की वजह से पी रहे हैं कि मतलब इट्स अ हॉट वेदर काइंड ऑफ अ थिंग, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है और आपको बस एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक चाहिए जो कि थोड़ी अल्कोहलिक भी हो, थोड़ा मज़ा भी आए, तो इट इज़ अ गो टू बियर फॉर मी आई वुड से इन दैट सिनेरियो. अ गुड बियर, मस्ट ट्राई. गो हैड ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो कि आपको कैसी लगी. और अगर आपने पी रखी है तो मुझे बताना कि आपको कैसी लगी है ये बियर. But do drink responsibly and do not drink and drive. And as we say in Aficionado's Day, stay classy and cheers.